स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं अंश, तुमने वही समझा जो मैं चाहती थी तुम समझो। अब क्या करना है? तुम्हें मुझे मारना होगा। सब माँ को मोहना से बचाने के लिए कर रही हो। मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुम अपना झुमका वहां छोड़ गई थी। दी, तुम्हें मेरे झुमकों से क्या प्रॉब्लम है? जब भी पहनती हूँ इनके साथ खेलने लग जाते हैं और ये गिर जाते हैं। जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे इनमें एक्स्ट्रा लॉक लगवाना पड़ा ताकि ये तब निकले जब मैं खुद इन्हें निकालूं। ये झुमका अपने आप नहीं गिरा, इसका मतलब पिया ने झुमका जानबूझ के गिराया है। समझते हो तुम? अब अंश को पता चल जाएगा आदित्य मेरे साथ है और वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। अब अंश को लगेगा मुन्ने को तुमने चुराया है और इस वक्त अंश इतने गुस्से में होगा कि तुमसे मिलते ही वो तुम्हारी जान ले लेगा। मतलब जो काम मैं नहीं कर सकती अंश आराम से कर देगा और शायद तुम्हारे मरने की खुशी में मैं छुटकी की जान बख्श दूं। भैया, अंश को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ ऑफिस में हो। इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें यहाँ से निकलना होगा। I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं अंश, तुमने वही समझा जो मैं चाहती थी तुम समझो। अब क्या करना है? तुम्हें मुझे मारना होगा।
मुझसे ये नहीं होगा। नहीं अंशु, तुम्हें ये करना होगा। देखो, हमारे पास बहस का वक्त नहीं है। मोहना किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। तुम बस वही करो जो मैं कह रही हूँ। प्लीज अंश। लेकिन प्रिया मैं। प्लीज अंश, प्लीज, हमें ये करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रिया मैं। प्लीज, प्लीज। भाभी को बचाने की कोशिश में हम उनकी जान भी ले सकते हैं। जिंदगी मौत की उंगली पकड़कर ही चलती है। या तो यही नहीं पता कि मौत की उंगली कौन सी है और जिंदगी की कौन सी है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि गुड़िया के आने तक रुकने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा निशान जी, जल्दबाजी में ऐसा खतरा मोल लेना समझदारी नहीं है। समझदारी हो या ना, मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी को गलत गोली देने से क्या हो सकता है? ये जाने के बाद भी आप इतना बड़ा खतरा उठाना चाहते हैं भाई साहब? हाँ, मैं जानता हूँ चेतन, मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। देखिए भैया, मैं आपके दिल की हालत समझता हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप पिया के आने तक रुक जाइए प्लीज। हाँ भाई साहब, मुझे भी यही लगता है, हमें पिया पे भरोसा रखना चाहिए। पिया पे मुझे भी भरोसा है चेतारी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो प्राण प्याला ले आएगी, लेकिन अगर उसे देर हो गई तो मैंने अपनी वैदिश्री को खो दिया तो। आज तुमने ये साबित कर दिया, तुम्हारी रगों में मेरा खून है। देर सही सही, आज तुमने वो किया जो दावंश होने के नाते तुम्हें बहुत पहले ही करना चाहिए था। टैंड वंश के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज एक दावंश ने दैविक कांड किया है। वैसे ये तो एक दिन होना ही था, तुम्हें बुराई की तरफ आना ही था। तुम्हारे इन पंखों की वजह से ये जल्दी हो गया। ऊपर से तुम्हारी जिंदगी में ये दैविक भी नहीं थी जो तुम्हें बुराई की तरफ जाने से रोक पाती। तुम्हारे पास ये पंख थे, इसीलिए तुम इस दैविक को मार पाए। तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम मोहना का विश्वास जीत पाओगे और मोहना से मेरे प्राण रखने के लिए प्राण प्याला ले पाओगे। प्राण प्याले में प्राण रखने के बाद मैं बस कुछ ही पलों के लिए जिंदा रह पाऊंगी, उसके बाद मेरा लौट पाना नामुमकिन होगा। नहीं पिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वही करूंगा जो तुमने मुझे कहा था। पिया को तो मैंने मार दिया,
लेकिन हाथी को कैसे ढूंढूंगा? हाथी कहाँ है ये सिर्फ पिया जानती थी। लेकिन तुम्हें आदित्य की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास ये पंख है, तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली दावंश हो। लेकिन मैं भी एक बाप हूँ और आदि मेरा बेटा है। आपको भी आपका बेटा चाहिए था ना, इसलिए आपने मुझे सबसे दूर करने की कोशिश की, यहां तक कि पिया से भी। और आज आप ही पूछ रही हैं कि मुझे आदि क्यों चाहिए। मैं सब जानता हूं, ये सब आपका किया धरा है ना। आपने पिया को चैलेंज किया था ना कि आप उसे घर से निकलवा देगी। लीजिए, आपने जो कहा था वो हो गया। पिया मेरे घर से नहीं बल्कि मेरी जिंदगी इस दुनिया से चली गई और उसके साथ साथ मैंने आदि को भी खो दिया। आपकी वजह से इस दुनिया में मैं अकेला रह गया, इसलिए अब आपको भी जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? शांति। आपने मुझसे मेरी जीने की वजह छीनी, मैं आपसे आपकी जिंदगी छीन लूंगा। नहीं, लेकिन तुम मुन्ने को ढूंढ सकते हो, वो तुम्हारा खून है, उनकी मदद से तुम उस तक पहुंच सकते हो। आपको क्या लगता है पिया ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? पिया एक दैविक थी, उसने जरूर आदि को ऐसी जगह छुपाया होगा जहां मैं अपनी दावन शक्तियों का इस्तेमाल करके ना पहुंच सकूं। पिया तो इस दुनिया से चली गई, अब आपको भी इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाइए। को ढूंढने का एक तरीका है मेरे पास। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।